पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है सोचना पड़ेगा, ईसा मसीह की ईसाइत क्या है सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना पड़ेगा। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान इस्लाम और मुस्लिमों का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत 10 जून को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से लेकर तमाम मुद्दों पर बात की। देश में एकता कैसे हो, लोगों के बीच दूरियां कैसे मिटे, भारत आगे कैसे बढ़े जैसे विषयों पर उन्होंने विस्तार से बात रखी। मोहन भागवत ने अपने भाषण में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद साहब का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने नसीहत देते हुए कहा कि दूसरे का मत का सम्मान करना चाहिए, समाज में एकात्मता चाहिए। हमारा समाज विविधताओं से भरा हुआ है, ये विविधताएं मिथ्या हैं, लेकिन मूल में हम सब एक ही हैं। सब सही हैं, धर्म मार्ग पर बलते हैं तो उन्नति होती है। जब से हम अपनी रीति भूले हैं तब से हमारा पतन हुआ है। उन्होंने कहा कि पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है ये सोचना होगा, ईसाइयत क्या है सोचना पड़ेगा, भगवान ने हम सबको बनाया है उनकी बनाई कायनात के बारे में सोचना होगा। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है सोचना पड़ेगा, ईसा मसीह की ईसाइयत क्या है सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते हैं, सब अलग हो सकता है, हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। और ये होना पड़ेगा तो उसके लिए आदत की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, मन को भी अच्छे लगते हैं, बुद्धि भी उनको मान्य करती है, लेकिन दशकों की शतकों की जो आदत है उसको सुधारने में समय लगता है, उसको सुधारने में समय लगता है। भागवत ने कहा कि सभी को ये मानकर आगे बढ़ना चाहिए कि ये देश हमारा है और इस भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोग हमारे अपने हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अतीत को भूल जाना चाहिए और सभी को अपना मानना चाहिए। भागवत ने आगे कहा कि जातिवाद को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने आरएसएस पदाधिकारियों से समाज में सामाजिक सद्भाव की दिशा में काम करने को कहा। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।